देहरादून में वाणिज्य उत्सव समारोह का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उद्योग विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ विभागीय मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। साथ ही वाणिज्य से संबंधित सभी उद्यमी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो देहरादून में वाणिज्य उत्सव समारोह का आयोजन किया गया, सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वाणिज्य से संबंधित उद्यमी भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। वहीं उत्तराखंड में काफी जद्दोजहद के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के बीच कर्मचारियों ने आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल जीएमवीएन और केएमवीएन के कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ दिया है, जिससे चारधाम यात्रा बाधित हो सकती है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन पर न जाने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की जो भी मांग होगी सरकार उस पर जरूर निर्णय लेगी। हड़ताल चल रही है। देखिए, ऐसा है कि हम सभी से अनुरोध करेंगे कि यात्रा बहुत कम समय के लिए, अब चूंकि कम समय यात्रा का बचा है और बहुत प्रयास करने के बाद सरकार ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई थी। अभी कोरोना कम हो गया है तो उसमें हम लोगों ने कोर्ट के सामने जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने कुछ शर्तों के साथ उसको चलाने की अनुमति दी है। तो मैं सभी से कहूँगा कि अभी यात्रा चलने दीजिए, बाकी बातें हम लोग कर लेंगे, जो भी उनकी समस्याएँ होंगी उन पर बात करेंगे। वही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने सभी संगठित इकाइयों को मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत अब बीजेपी अपने मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित करेगी। 24 सितंबर को देहरादून में आयोजित किए जाने वाले इस मीडिया कार्यशाला में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कार्यक्रम को लेकर कहा है कि इसमें प्रदेश के मीडिया प्रभारी, सभी जिलों के मीडिया प्रभारी, सभी संगठनिक इकाइयों के मीडिया प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मीडिया विभाग को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत प्रदेश के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के मीडिया प्रतिनिधियों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय मीडिया वर्कशॉप का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जिलों के मीडिया प्रभारी, सभी मोर्चों के प्रदेश के मीडिया प्रभारी और उनके जिलों के मीडिया प्रभारी भाग लेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड में बीजेपी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी नेताओं को साफ कर दिया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको टिकट मिलेगा। विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाने वाले और जन समस्याओं को प्रमुखता देने वाले विधायकों को ही टिकट मिलने की बात कही जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि जिसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनका टिकट कटना तय है। हालांकि आपको बता दें कि इस बात की चर्चा लंबे समय से की जा रही है कि बीजेपी में 20 से 25 विधायकों के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी है। सेटिंग विधायकों ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया है, जनता का भारी जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। दुनिया की सबसे बड़ा संगठनात्मक पार्टी है और जब हम ये बात करते हैं कि जब हम चुनाव में जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले बात कही थी कि हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को संगठन में या सरकार में कोई भी जिम्मेदारी दी गई है उसको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस का जो आकलन है वो संगठन के माध्यम से भी किया जाता है, वरिष्ठ जनों से बात करके भी किया जाता है, सर्वे के माध्यम से भी किया जाता है। जो अंडर परफॉर्मर रहेंगे, चाहे वो विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, जो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो चेहरे बदल दिए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा कि जनता की जो नाराजगी है 4.5 सालों की कुप्रशासन की भारतीय जनता पार्टी की, वो सड़कों पर आ रही है और किस तरीके से विधायक को घेरने का काम भी जनता कर रही है, तो उन्हें ये पता चल चुका है कि जो सिटिंग MLA हैं उन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया। इसीलिए आपने देखा धर्मपुर के जो विधायक हैं वो कह देते हैं कि भाड़ में जाए भाजपा का टिकट, मुझे उस टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। तो ये सिर्फ अपने मैं कहती हूँ जो कृत्य हैं बुरे, उनका डर है उनको कि उन्होंने 4.5 सालों में जन विरोधी ही नीतियां बनाई हैं, इसीलिए मन से डरे हुए हैं।
वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। लगातार बीजेपी के कमियों को उजागर करने के साथ साथ अब कांग्रेस ने अपने कुनबे को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ऋषिकेश में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। मौके पर कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ फूल मालाओं से प्रीतम सिंह का स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि सदस्यता अभियान में युवा वर्ग जुड़ने के लिए बेताब है। हालांकि अभी सदस्यता अभियान का टारगेट फिक्स नहीं किया गया है। स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस राजनीतिक दल के पास 70 विधायक चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, आप मुझे बताइए, आप तो इसी देहरादून जनपद में रहते हैं, आप बता दीजिए कौन से ऐसे 10 लोग हैं जो देहरादून में उनके प्रत्याशी हैं, जरा बता दीजिए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य जो है उज्जवल नहीं रह सकता, और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का प्रलोभन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को दे रही है, मैं समझता हूँ वो उत्तराखंड के लोगों के बारे में जानते नहीं है। उत्तराखंड के लोग बड़े स्वावलंबी हैं और राजनीतिक सोच समझ रखते हैं, उनके वोटों को जो है लालच देके खरीदा नहीं जा सकता है। वहीं प्रदेश में 2022 के चुनाव पास आते ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में जिले के सदस्यता अभियान प्रभारी नारायण पाल ने अल्मोड़ा में कांग्रेस के जिला प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 2022 के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कही। वहीं उन्होंने अल्मोड़ा के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि जिले में सदस्यता अभियान की गति बहुत धीमी है, जिसे लेकर उन्होंने जिले के पदाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है, उससे उसका अब जनता का मोह बीजेपी की तरफ से भंग हो गया है। उधर अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जल मिशन को लेकर कहा कि पानी के पाइपों के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण इसका कार्य प्रभावित हो गया था, जिसके लिए केंद्र को इसकी DPR भेजी गई थी। एक हफ्ते के अंदर इसके नए रेट आ जाएंगे और इसका काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसकी DPR जल्द बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई विभाग की टूटी नहरों के लिए भी विभागीय अधिकारियों को आंकलन कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।